मैं बड़ी तसल्ली से गारंटी देता हूँ जी जी कि यहाँ किसी के साथ जाति नहीं होगी किसी व्यापारी के साथ। इन घोटी में सब भाई का स्वागत है दोस्तों। आज पहुँचे हैं गांव रोड़ा वाली जिला हनुमानगढ़ के अंदर, आप देख सकते हैं, यानी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हनुमानगढ़ बकरा मंडी लगने जा रही है गांव रोड़ा वाली के अंदर, देख सकते हैं। मेरे साथ है अमन भाई, पहले ही मंडी लगवाते थे, किसी कारण मंडी बंद की थी, अब दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी ओनर से लेंगे, उससे पहले जो भाई पेज पेरेंट से गुजार से अपने पास पेज को फॉलो कर लो, क्योंकि हम लाते हैं हनुमानगढ़ गंगानगर जितने स्टेट फार्म गोट फार्म डेयरी फार्म है सब की वीडियो। तो दोस्तों देख सकते हैं रोड़ा वाली के अंदर बकरा मंडी लगने जा रही है, ओनर से बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सर जी अपना नाम और थोड़ा सा एड्रेस दस दियो। मेरा नाम अमनदीप सिंह है जी। जी जी। पिंड अपना रोड़ा वाली है। जी जी सर। और जिला हनुमानगढ़ है जी। जी जी। सर बकरा मंडी लगवाने जा रहे हैं, काम क्या करते सर, थोड़ा अपने बारे में बता दें। मैं काफ़ी 9 साल के करीब हो गया बकरों का व्यापार भी करता था, बकरों का काम भी करता था। जी जी। और 8-1 साल हो गए हैं मुझे घोड़ियों का भी साथ में काम कर। हाँ घोड़ियाँ भी देख सकते हैं भाई, स्टेड फार्म भी है साथ के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो और अब पहले मैंने मंडी लगाई थी, वो किसी कारण मेरे को बंद करनी पड़ी। जी जी। और अब मैं दोबारा से उसी को चालू करना चाहता हूँ, उसी मंडी को दोबारा, इसीलिए आप चल के आए हमारे जी जी फार्म पे, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का। शुक्रिया। तो सर जी अपने ये बता दें मंडी कौन सी तारीख को लगाने जा रहे हैं। मंडी सर हर शनिवार को लगेगी। हर हफ्ते लगेगी। हर हफ्ते लगेगी। शनिवार को लगेगी। हाँ जी। तो सर जी एक चीज़ बता, अपने शनिवार मंडी में लगेगा, मंडी के अंदर कौन कौन से जानवर आने, मतलब मंडी के अंदर देखो सर अपने जो लोकल बर्बरी बहुत आती है, बीटल नस्ल आती है, सिरोही आती है, तोतापुरी भी आती है, पतीरा भी आती है, काफी नस्लें आती है, और जैसे कि कट्टू माल भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस मंडी के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों हर प्रकार की गोट्स, यानी किसी भी प्रकार की आपके पास सेल के लिए बकरी है या आपने बकरी खरीदनी है और किसी भाई ने गोट फार्म करना है, तो भाई कहीं ना जाए, आ जाए बकरा मंडी के अंदर रोड़ा वाली में। हर शनिवार को लगती है और हर शनिवार को लगेगी। तो भाई ज़्यादा ओनर का नंबर भी है स्क्रीन के ऊपर, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, किसी भाई को बकरियां भी सेल करवानी हो तो वो भी अपना नंबर देके कॉल करके यहाँ आ सकता है। एक सर जी और चीज़ हो, जैसे बाहर के व्यापारी माल, आपको पता है राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ से यहाँ की बकरी मशहूर है, यहाँ से पूरी इंडिया में जाती है। हाँ जी। तो सर जी व्यापारी बाहर का आएगा, हाँ जी, तो आपके यहाँ रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की, ये भी बता दें थोड़ा। सर अपने 2 व्यापारी हैं, 10 हैं 20 हैं, उनके खाने का खर्चा मेरा होगा। जी जी। उनके रहने की व्यवस्था मैं करके दूंगा। जी जी। और मतलब किसी प्रकार की उन्होंने व्यापारियों को दिक्कत नहीं है, ट्रांसपोर्टिंग भी अगर उनको गाड़ी अवेलेबल करवा के देनी है अपने करवा के देंगे। जी जी। अगर 1-2 नग भी हैं तो वो अपने यहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट भी करवा के देंगे, उसकी भी जिम्मेवारी लेंगे अपने। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं कई बार पार्टी आ जाती है बाहर की, जैसे मान लो कर्नाटक या बंगलोर से आ जाती है, हाँ जी, तो उसको 400 बकरा चाहिए या 500 चाहिए या 600 चाहिए, हाँ जी, वो इकट्ठा ले जाते हैं, हाँ जी, तो हर वीकली वो 50 बकरा खरीद सकते हैं या 100 खरीद सकते हैं। बिल्कुल खरीद सकते। अगली नेक्स्ट वो मंडी तक रुकेंगे, हाँ क्या पूरा हफ्ता रुकने के अपने पास पाबंदी है? 1 मंथ तक कोई बंदा रहना चाहे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको दिखा देंगे अंदर बेड वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, रहने की व्यवस्था है, लाइट है, सब कुछ है। एक सर जी और चीज बता दें, जैसे कि अपने मंडी लगेगी तो गोट्स लेके आएंगे व्यापारी, ज्यादातर किसान भी आते हैं, हाँ जी, तो अपने कोई पर्ची का चार्ज वगैरह ये भी बता दें थोड़ा। कोई पर्ची तो कोई भी नहीं है, बस एक वो अपने जो सौदा होता है 100 रुपए पर्ची बेचने वाला और खरीदने वाला, वही 200 रुपए लगता है दोनों तरफ, 200 रुपए, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं है, कहीं सोचे हम बकरा मंडी में बकरे लेके जाएंगे तो हमारा चार्ज लगेगा, नहीं। आपका सौदा होता है यानी आपकी बकरी सेल होती है या परचेज करते हो, हाँ, उस टाइम ही आपको 100 रुपए एक नग का देना लगेगा, सेल करने वाला 100 रुपया देगा और लेने वाला भी 100 रुपये देगा, ये चार्ज है और कोई चार्ज नहीं है। हाँ जी, हाँ तो अपने साथ गांव के सरपंच है नूर नबी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर जी, आप भी थोड़ा सा मंडी के बारे में बताएं। मैं नूर नबी बाटी, पूर्व सरपंच और हाल सरपंच प्रतिनिधि जी, रोड़ा वाली गांव ऐसा गांव है कि इसकी बकरा की सेल और बकरा खरीदो फरोख्त और बकरा बाहर भेजना जी जी महाराष्ट्र में, पंजाब में और यूपी तक जी जी काम कर रहे थे छोरे, लेकिन ऐसा एक फ्लक्चुएशन आया जी जी, कुछ तो दूसरी स्टेटों के हालात इस तरह के हो गए जी जी के लोग जाने से डरने लग गए जी जी, व्यापारी 1-2 व्यापारियों के साथ हादसा भी हो गया था, लूटपाट हो गई थी जी जी, बकरे छीन लिए गए थे जी जी, और इस वजह से व्यापारी चुप हो गए, चुप हो गए तो इन्होंने अपना ट्रेंड बदल कर, अमनदीप ने जो बहुत अच्छा नेक ईमानदार और हिम्मती लड़का है जी, इसने रोड़ा वाली से 1 किलोमीटर आगे हबोर रोड के ऊपर अपने खेत में ही
गोट फार्म बना रखा है और स्टड फार्म भी बना रखा है। इसमें बकरों वाला काम छोड़ के घोड़ियों का काम शुरू कर दिया जी जी, जो आज तक चल रहा है जी जी। अच्छी नस्ल की घोड़ियाँ इसके पास। दोबारा इसने हिम्मत की, मेरे से पूछा, मैंने कहा बिल्कुल मैं सहयोग करूँगा जी जी। तो इसमें अगर मंडी तरक्की करती है और रोड़ा वाली का नाम ये नौजवान रोशन करते हैं जी जी, और हर आदमी को यहाँ मजदूरी मिलेगी बिल्कुल जी, काम करने वाले को मिलेगी, बेरोजगारी का बिल्कुल बिल्कुल हर काम यहाँ से स्टार्ट होता है, बेरोजगारी का जो माहौल चल रहा है जी जी, सबको काम मिलेगा, बकरा लाने वाले को मिलेगा, व्यापारी को मिलेगा, ट्रक वाले को मिलेगा, टेम्पू वाले को मिलेगा, खाना बनाने वाले को मिलेगा, खाना खिलाने वाले को मिलेगा, सबको थोड़ा 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 काम मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा एक चीज की मैं बड़ी तसल्ली से गारंटी देता हूँ जी जी, कि यहाँ किसी के साथ जाति नहीं होगी, किसी व्यापारी के साथ जाति नहीं होगी, किसी व्यापारी के साथ कोई हेरा फेरी नहीं होगी, हेरा फेरी नहीं होगी जी। ये 101% गारंटी रहेगी मेरी तरफ से, गांव के लोगों की तरफ से। रोडावली गांव एक बहुत शरीफ गांव है, बहुत ही शरीफ गांव है जी जी, नशे पते सब चीज़ से बचा हुआ है, लेकिन अब थोड़ा 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 इसमें बेरोजगारी की वजह से, काम नहीं होने की वजह से जी जी, नौजवानों का रुझान नशे की तरफ या दूसरी तरफ जा रहा है जी जी। इसलिए कोई भी कोई काम करता है नौजवान हिम्मत करके, चाहे मंडी का है, स्टड फार्म का है, गोट फार्म का है, जैसे भी करता है जी जी। तो मैं तो उसको हमेशा मोटिवेट करता हूँ और उसको हौसला देता हूँ और उसके साथ रहता हूँ और उसकी मदद करता हूँ बिल्कुल। इसी तरह अमनदीप को भी मैंने कहा भी मेरी जहाँ भी ज़रूरत हो मैं तैयार हूँ जी जी, और भी कुछ चाहिए तेरे को एडवर्टाइजमेंट के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, तो मैं तैयार हूँ बिल्कुल। इसलिए आप हिम्मत से काम करो, ईमानदारी से करो, तो ये तो एक तो मेरी 100% गारंटी रहेगी कि लड़का ईमानदार है, काफ़ी सालों से मैं इसको जानता हूँ, एकदम ईमानदार है, मेहनती है, हिम्मती है, सारी बातें। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि इसका ये गोट फार्म अच्छा चलना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारी बातें नियत पे होती है, इसकी नियत अच्छी है, इसकी सोच अच्छी है, इसलिए काम अच्छा चलेगा और मैं इसी की उम्मीद करता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। जी शुक्रिया। शुक्रवार को ला के ये कैसे बाहर से होते हैं? बाहर से तो शुक्रवार को आए, शनिवार को आपका निपटे, और शनिवार बंदा कभी एक दिन पहले भी आ सकता है, एक दिन पहले भी आ सकता है, अगर मंडी के बाद उसको देरी होती है रह भी सकता है, जानवर के रखने की कमरे की सारी व्यवस्था करके देंगे बिल्कुल। जानवर को निराचारी अगर रात में वो रहता है तो वो करवाएंगे बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब किसी भाई को लाना हो शनिवार को मंडी में, तो आप जुम्मे को यानी जिसको शुक्रवार को लेके आ सकते हैं, आपको पूरी को लेके पहुंच सकते हैं। हाँ, स्टोरी आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। आप भाई का स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। सर जी फोन नंबर ही बता दें अपना। मेरा नंबर है 9988378069 जी जी, और 8693 98825 जी जी बिल्कुल।